नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। हाथरस की घटना के बाद पूरे देश भर में महिला अपराधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध को लेकर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर सवाल उठा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस देश भर में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने महिला अपराधों को लेकर वर्चुअल विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस की महिला नेत्री फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से जुड़कर यह बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है। कांग्रेस में छोटे से लेकर बड़े नेता इस वक्त महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटा है। हाथरस की घटना के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उस घटना के बाद से कांग्रेसियों में बीजेपी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है, जिसको कांग्रेसी जमकर जाहिर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस अलकनामा की ओर से सभी कांग्रेसियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इसका पूरे देश भर में हर तरह से जमकर विरोध किया जाए। हाथरस की घटना एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर जो है रात को जो है 2 और 3 बजे जो है युवती की अंत्येष्टि होती है, कह रहे हैं कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। भाई अगर कुछ नहीं हुआ था तो फिर रात को 2 बजे अंत्येष्टि करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों परिवार के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो सच है उसको छिपाने का काम कर रही है, और SIT ने जिस तरीके से काम किया उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। जिलाधिकारी द्वारा जिस तरीके से परिवार को धमकाने का काम किया जा रहा है वो भी कदापि उचित नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में स्पीक टू वुमेन्स जो है पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। देखिए, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान किया गया है पूरे देश का, जिस तरह से महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा गोरखपुर की घटना, शाहजहांपुर की घटना, हाथरस की घटना, बलरामपुर की घटना, और अब कल बक्सर जो है बिहार में एक महिला का गैंग रेप किया गया, उसके 6 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। तो जो ये लगातार अपराध बढ़ रहे हैं इनके लिए मुखर होकर आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं हुक्मरान वो तो अंधे गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं। तो इन सब बातों को मुखर रूप से रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, जो आज दिन भर चलेगी। #स्पीकअप फॉर वुमेन सेफ्टी, इसके अंतर्गत तमाम महिलाएं और तमाम हमारे पदाधिकारी जो हैं वो अपनी बातों को फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से उठाएंगे और प्रश्न पूछेंगे सरकारों से कि आखिर ऐसा क्या हो गया पिछले 2-3 सालों में कि जो महिला अपराध हैं वो 31% बढ़ गए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया महिला अपराधों में। तो क्या कारण है कि आपका कानून का और सरकार का कोई रसूख, कोई इकबाल इन गुनाहगारों में, इन वहशी दरिंदों में, इन हवस के भूखे लोगों में कोई रसूख, कोई इकबाल आपका नहीं रह गया? क्यों कोई आप उदाहरण पेश नहीं करते कि इनकी रूह कांप जाए? कैमरामैन शिवमणि के साथ उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।